चालू है। हाय एवरीवन, दिस इज राकेश कुमार फ्रॉम डूडा, क्लास 10th डीटीसी, एक्सरसाइज 4.4। ये ब्रेनफोर्ड एकेडमी डूडा से देखे क्वेश्चन, मैं राकेश सर बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखे क्वेश्चन नंबर जो है क्या है, 4.4 एक्सरसाइज बीटीसी का क्वेश्चन नंबर दो को, क्वेश्चन नंबर दो देखो क्या है, निम्न के प्रत्येक द्विघात समीकरण के ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि दोनों क्या होगा, दोनों का मूल क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि क्या कंपेयर करते हैं क्या, ए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, जीरो। इस केस में हम क्या देखते हैं कि डी बराबर डी फोर विवेचक होता है, विवेचक बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर हमारा ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डी बराबर अगर जीरो आ जाता है तो हम जानते हैं कि दो मूल है अल्फा और बीटा क्या होता है, मूल होता है दोनों रूट्स क्या होगा, बराबर होगा, दोनों मूल क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और मूल जब दोनों समान रहेगा और कैसा होगा, उसका प्रकृति वास्तविक होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो का पहला पे, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या है के एक्स प्लस थ्री, जहाँ क्या है के का मान निकालना है और जब दोनों का मूल क्या है समान है। तो देखो यहाँ ए एक्स स्क्वायर कंपेयर के स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है द्विघात समीकरण में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, जीरो। तो देखो ए बराबर क्या है, यहाँ पे ए बराबर टू, बी बराबर क्या है के, और सी बराबर एंड सी बराबर कितना है तीन। तो हम क्या जानते हैं, डी बराबर हम जानते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस क्या फोर ए सी बराबर क्या है, और इसको हम अगर जीरो के बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मूल जो है क्या होगा, मूल जो है समान होगा, क्या होगा, मूल समान होगा। अगर दोनों क्या है, दोनों का मूल क्या है समान होगा, कब, जब अल्फा बीटा दोनों क्या है, यही मूल है इसका, यही समान होगा। तो देखते हैं यहाँ पर ए बराबर क्या है,